गुजरात के सीमावर्ती ऐसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से मैं देशवासियों को एक खुशी का समाचार देना चाहता हूँ। बनास डेयरी ने 25 जितने गाँव में से गोबर कलेक्शन करने का स्टार्ट कर दिया है। एक किलो का अभी एक रुपया हम दे रहे हैं और वो गोबर से 200 घन फीट गैस भी तैयार हो रहा है और गोबर गैस तैयार होकर उनमें से प्यूरिफिकेशन करके हम CNG में हमने कन्वर्ट किया है। हमारे जिले में 25-25 गाँवों के बीच एक एक गोबर गैस प्लांट बने, ऐसा हम लोगों ने प्लानिंग किया है। और जो गोबर गैस का खर्च होगा वो खर्च 4 साल में बिल्कुल फ्री हो जाएगा। हमने नए प्रोजेक्ट के लिए IIT, IIM, IRMA, BHU ऐसे इंस्टीट्यूट में से स्टूडेंट को प्लेसमेंट किया और R&D का काम भी सौंपा है और ये सक्सेस हुआ है। दूसरा काम, जो स्लरी बत्ती है वो स्लरी में से ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं और वो DAP और यूरिया का ऑप्शन बन गया है। और ख़ास करके कृषि में जो जंतुनाशक का ऑप्शन जो है वो लास्ट में जो गौमूत्र और जो बिल्कुल लिक्विड बचता है उनमें कुछ चीज़ें ऐड करके हमने ऑर्गेनिक जंतुनाशक भी तैयार किया है। किसानों के लिए ये सब आशीर्वाद रूप है। हमारी सोच ये है कि हमारे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 50 नए गोबर गैस प्लांट लगाकर हम पूरे जिले को एक स्वच्छ अभियान का तो काम करेंगे, लेकिन पशुपालक के लिए दूध के अलावा 15% से ज़्यादा और बढ़ोतरी होगी।